नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों और साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत इस वीडियो में मैं करता हूँ। आप सभी को बता दूं दोस्तों, यहाँ पर ऑयल एंड पेट्रोलियम कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी, बेसिकली इसका नाम IOCL है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी है। और इस कंपनी में आपकी अप्रेंटाइसेस एक्ट के थ्रू अप्रेंटाइसेस की रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। 1603 वैकेंसियाँ, ध्यान से सुनिएगा, 1603 वैकेंसियाँ इतनी रिलीज हुई हैं। और ये वैकेंसियाँ जो रिलीज हुई हैं आपकी, ये अलग अलग ट्रेड पर, अलग अलग पोस्टों पर रिलीज हुई हैं, सारी की सारी अप्रेंटाइसेस के लिए रहेंगी। मीन्स ये है कि आपकी यहाँ पर रेगुलर और एक परमानेंट जॉब नहीं होगी, आपकी यहाँ पर इन पोस्टों पर ट्रेनिंग होगी। बेसिकली आप यहाँ पर अप्रेंटाइसेस के तौर पर यहाँ पर भर्ती होंगे, जॉब कर रहे होंगे, और उसके साथ साथ आप वो काम को भी सीखेंगे। और उसके साथ आपको स्टाइपेंड या सैलरी जो भी मिलेगा, जितना भी आपको श्रम मिलता है काम करने का, वो यहाँ से मिलेगा। तो आप समझ रहे होंगे कि ये अप्रेंटाइसिस की जॉब रहेगी, इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कशन होगा। मैं आपको बता दूँ, IOCL जो है उनके, अभी आज की बात, आज ही करेंटली बात करें हम अगर 2023 के दिसंबर में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इस कंपनी के आधे से भी ज़्यादा स्टेक है। मतलब कि 51 से लेके 55% जो परसेंटेज ऑफ शेयर है, यानी कि स्टेक है कंपनी के, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है। इसी वजह से हम इस कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानकर चलेंगे इस वीडियो में, पूरा नोटिफिकेशन के लिए। क्योंकि जिसके पास जितना परसेंटेज होता है ऑफ स्टेक का, तो उतना ही उसका मतलब ये होता है कि उतनी ही वो कंपनी मानी जाती है उस इंसान की जिसके पास ज़्यादा स्टेक है। सपोज यहाँ पर अगर 51 से 55% ऑफ स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, इसका मतलब ये हो जाता है सिंपली कि ये कंपनी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानी जाए। ठीक है, अभी आप ऐसा मान के चलेंगे तो मैं आपको बता दूँ, आपकी जॉब गवर्नमेंट रहेगी, लेकिन वो अप्रेंटाइसिस की रहेगी, इस बात को आप बोलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक चीज़ और आगे बताऊंगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन जो आया है वो डिटेल्ड नहीं आया है। जैसे अभी हम जानते हैं, सबसे पहले एक विज्ञापन जो अखबारों में आता है, न्यूज़पेपर्स में आप देखते हो, वो जो आता है, उसके बाद कहीं ना कहीं हमें जो है वेबसाइट पर डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आपको बता दूँ, जो पेपर में आ चुके हैं उनके रिगार्डिंग जो अभी नोटिफिकेशन है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और जो आपका डिटेल्ड रहेगा, उसके लिए आपको 2 से 3 दिन और वेट करना है। हम डिटेल्ड नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे बाद में, अभी इस वीडियो में हम सिर्फ उस नोटिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं जो अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। और ये नोटिफिकेशन ने मोस्टली सारी जानकारियां दे दी है, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी, स्टाइपेंड, और कब से कब तक फॉर्म भरना है, फॉर्म में आपका फीस है या नहीं है, कौन कौन अप्लाई करेगा, सारी जानकारी उसमें दी गई है। लेकिन अगर फिर भी ऐसे पॉइंट रहेंगे जो एक्स्ट्रा, जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन में दिए जा रहे हैं, तो हम उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। अब एलिजिबिलिटी सिंपल है, ऑल इंडिया रहेगी इसमें, भारत का सभी नागरिक, पूरे भारत देश के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब IOCL का ऑफिशियल वेबसाइट ये है, और बाकी लिंक मैंने नोटिफिकेशन जो भी है इसका अभी आया हुआ, वो सारे मैंने आपको दे दिए हैं। अप्लाई करने के लिए 16 दिसंबर से फॉर्म चालू होंगे, तो आप वेबसाइट को देख ही रहे हो। तो भारत देश के हर एक कैंडिडेट के लिए, हर एक नागरिक के लिए ये वीडियो काफ़ी खास है। तो सबसे पहले अगर हम नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट दिख रही है, असिस्टेंट ऑफिसर का दिख रहा है। सेम इसी तरीके से आपको ये वाले नोटिफिकेशन को भी देखने को मिल जाएगा। सपोज 2 से 4 दिन आपको इसमें वेट करना है, उसके बाद आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, यही वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। सेम आप देख सकते हो लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स में भी आप इस चीज़ को देख पाओगे, वहाँ पर भी आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। हम चलते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन पर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीज़न, इंडियन ऑयल भवन, ये आपको बता दूँ, G9 अली यवर यवर जंग मार्ग, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र में इनका जो है मेन ऑफिस है। और इसमें कह रहे हैं 16, आप देखोगे अगर यहाँ पर, आप कहोगे कि अभी तो 16 दिसंबर आया भी नहीं है, और इन्होंने नोटिफिकेशन 16 दिसंबर डाल रखा है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि ये जब आपके घरों तक न्यूज़पेपर में पहुँचेगा, तो वहाँ पर आपको जिस दिन के न्यूज़पेपर में दिखेगा ना ये एडवर्टाइजमेंट, ये एड, वो 16 दिसंबर की डेट में दिखने वाला है।
आप अगर बात करो अभी तो 5 दिन अभी बच रहे हैं, 5 दिन पहले ही आप 16 दिसंबर डालकर नोटिफिकेशन दे रहे हो। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा ऐसे हो रहा है क्योंकि आपको बता दूँ ये नोटिफिकेशन पहले रेडी हो चुका है सब कुछ कि हमें इतने लोगों को अप्रेंटाइसिस पे लेना है, लेकिन ये आपको न्यूज़पेपर्स के अंदर, अखबारों के अंदर इस दिन के न्यूज़पेपर में दिखेगा, इस वजह से ये रेट यहाँ पर है। आपको बताऊँ नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड और टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटाइस, मतलब कि इनको ट्रेड यानी कि 10वीं पास 12वीं पास भी चाहिए, टेक्नीशियन भी चाहिए, ग्रेजुएट्स भी चाहिए अप्रेंटाइसिस के लिए। अप्रेंटाइसिस कहा जाता है आप लोगों को, आप अप्रेंटाइसिस एक्ट 1961 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसके उसकी मदद से ही आप यहाँ पर इन जॉब्स को लेते हो। अब मैं आपको बता दूँ ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल अंडरटेकिंग इन इंडिया है एंड एक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी है, मतलब कि अगर बात करें ग्लोबली टॉप 500 ऐसी कंपनियां जो हैं उनके अंदर आने वाली ये कंपनी है। एज अ मेजर ऑफ स्किल बिल्डिंग और इनिशिएटिव ऑफ फॉर द नेशन प्रपोजिस टू एंगेज, यहाँ पर ये टेक्नीशियन को लेंगे अलग अलग फील्ड में, ग्रेजुएट्स को लेंगे, ट्रेड को लेंगे बेसिकली, और ट्रेड जो रहेंगे वो टेक्निकल भी हो सकते हैं नॉन टेक्निकल भी, और यहाँ से हो सकते हैं। एट इट्स लोकेशन इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरी, ये अपने राज्यों में और अलग अलग यूनियन टेरेटरीज जो है भारत की वहाँ पर लेंगे। सपोज ये पुडुचेरी तमिलनाडु कर्नाटक महाराष्ट्र गुजरात गोवा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यूनियन टेरेटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव वेस्ट बंगाल बिहार उड़ीसा झारखंड असम सिक्किम यूनियन टेरेटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड त्रिपुरा नागालैंड मिजोरम मेघालय मणिपुर अरुणाचल प्रदेश दिल्ली हरियाणा पंजाब यूनियन टेरेटरी ऑफ चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी एंड यूनियन टीयूटी ऑफ लद्दाख और उत्तर प्रदेश राजस्थान उत्तराखंड। आप देख रहे हो ऑलमोस्ट ये हर जगह है, इन्होंने इस लिस्ट में हर जगह को दिया है भारत देश की, इन्होंने ऑलमोस्ट हर जगह के नाम यहाँ दे दिए हैं, हर राज्य और हर यूनियन टेरेटरीज के नाम दे दिए बेसिकली। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी जगहों के नाम यहाँ पर आप देख पा रहे हो आ चुके हैं, मतलब आपकी जो रिक्रूटमेंट रहेगी ना वो इन्हीं जगह पर रहेगी। हाँ अगर मैं देखो इसमें पूरे में देखूँ तो मुझे इसमें एक चीज़ आपको बताऊँ तो इसमें आंध्र प्रदेश मुझे नहीं दिख रहा है, और हो सकता है इसमें दो चार जगह और ऐसी हों जो नहीं दिख रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन जगहों पर इनकी नहीं रहेगी रिक्रूटमेंट बेसिकली, उन जगहों पर नहीं है जहाँ जहाँ ये कह रहे हैं ना लिस्ट में। आप देखो पूरे लिस्ट को तो आपको जो जो लिस्ट में नाम दिख रहे हैं उन्हीं जगह पर रिक्रूटमेंट है। आप अगर देखते हो इस पूरे लिस्ट में मेरे को तेलंगाना नहीं मिल रहा है, पूरे लिस्ट में तेलंगाना जगह का नाम नहीं है, केरला नाम की जगह का नाम भी नहीं है, केरला नहीं है तेलंगाना नहीं है, तो ऐसे और तो ऐसे में क्या आपके वहाँ पे वैकेंसी नहीं होगी? तो डेफिनेटली आपके वहाँ नहीं होगी, आपको इन जगहों पर जाकर जॉब लेनी है। एप्लीकेशन इन्वाइट करे जा रहे हैं, जो भी क्वालिफिकेशन रखते हो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी पर, और आपको क्वालिफिकेशन बता दूंगा, क्वालिफिकेशन और कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं किस किस पोस्ट के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जो भी यहाँ पर बताई गई हैं। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर दिल्ली के लिए बताऊंगा, अलग अलग जगह के हिसाब से बताऊंगा कि किस किस जगह पर कितने लोगों की ज़रूरत है। तो दिल्ली में इनको चाहिए टेक्नीशियन। अब इनका जो दिल्ली में इनका जो आपका IOCL का मेन जहाँ पर होगा, मतलब कि जहाँ से ये मेन आपका IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो एक ब्रांच होगा बेसिकली, एक डिवीज़न होगा जहाँ से ये दिल्ली के अंदर से ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा टेक्नीशियन अप्रेंटाइस मैकेनिकल में, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, मैकेनिकल टेक्नीशियन और इंस्ट्रूमेंटेशन, और इसके बाद आप देखोगे सिविल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे एक टेक्नीशियन इनको चाहिए जो कि टोटल 70 चाहिए, 70 चाहिए दिल्ली में, जिसके अंदर UR से 30 को लेंगे, EWS से 7, 10 अनुसूचित जाति से, 5 जनजाति से और OBC NCL में 18 को ले लेंगे। सेम दिल्ली के अंदर ये फिटर इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में, अब देखोगे आप ऊपर टेक्नीशियन की बात हो गई, अब हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, ट्रेड में इनको फिटर इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट चाहिए, 27 चाहिए जिसमें से 12 ये UR से लेंगे, 2 ये आपके EWS से लेंगे और SC से ये 4 लोगों को लेंगे और ST से 7 2 को लेंगे, OBC NCL से 7 को लेंगे। डिसेबिलिटीज की यहाँ पर वैकेंसी नहीं है।
सेम इनको दिल्ली में ही ग्रेजुएट्स लोग जो चाहिए, तो ग्रेजुएट्स अप्रेंटाइज जिनको इनको चाहिए 28, ट्रेड अप्रेंटाइज इनको डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO चाहिए, और साथ में इनको डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, जिसके पास उसके स्किल का सर्टिफिकेट हो वो भी, जिसके पास नहीं है उसको भी चाहिए इनको। इसके अलावा इनको रिटेल सेल्स एसोसिएट भी चाहिए ट्रेड में, और ट्रेड इनको एक और स्किल के साथ रिटेल सेल एसोसिएट चाहिए होगा। तो आप देखोगे इन सब की वैकेंसी 13 है, 13 में से 8 UR की हैं, एक EWS की है, एक SC ST की नहीं है, OBC NCL में 3 वैकेंसी हैं, और डिसेबिलिटीज को भी एक वैकेंसी इनमें से मिल जाएगी। जो भी आपको पोस्ट कोड दिख रहे हैं 112 से लेकर 116 के बीच, इन सब में से कोई एक पोस्ट यहाँ पर डिसेबिलिटी वाले को भी मिल जाएगी। तो आप देख रहे हो, ये दिल्ली वालों के लिए बताइए, स्पेशली दिल्ली में, मतलब मेनली ये नहीं है कि आप दिल्ली के हो तो दिल्ली की वैकेंसी को लोगे, आप कहीं और के भी हो तो दिल्ली के को ले सकते हो। बेसिकली ये है कि दिल्ली में लोगों को, इतने लोगों को यहाँ पर वैकेंसियाँ मिल जाएंगी। तो अगर बात करें तो दिल्ली में लोगों की वैकेंसी दिखाई जो जा रही है, इसके हिसाब से ये आप मान सकते हो 140+ वैकेंसी दिल्ली में मान सकते हो। हरियाणा की भी आप यहाँ से समझ लेना कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है। आपको देखिए यहाँ पर इन्होंने जनरल आइडिया दिया है कि मैं आपको दिखा दूँ एक बार, इन्होंने जनरल आइडिया दिया है कि हरियाणा में आप देखते हो तो इन्होंने बता दिया है कि टेक्नीशियंस की कितनी वैकेंसी, कितने कितने ट्रेड, कितने कितने पोस्ट हैं और कितनी वैकेंसी हैं। इन्होंने एक एक नहीं बताया, जैसे कि आप जानना चाहो कि हरियाणा के टेक्नीशियन मैकेनिकल में कितनी वैकेंसी हैं एक्चुअल में, और कैटेगरी वाइज वो कितनी है, तो ये आपके डिटेल्ड नोटिफिकेशन में आएगा, उसको तब डिस्कस किया जाएगा। अब हरियाणा की आप और आगे यहाँ से देख सकते हो, फिर आप पंजाब की यहाँ से समझ लेना, हिमाचल की भी समझ लेना, और ऐसे आगे चले तो चंडीगढ़ की वैकेंसी को आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर की आप देख सकते हो, और राजस्थान, उत्तर प्रदेश की आप देख लेना, उत्तराखंड की आप देख लो, वेस्ट बंगाल की आप देख सकते हो यहाँ से, और बिहार की भी है, उड़ीसा, झारखंड की है, और इसके बाद असम की भी है, सिक्किम, त्रिपुरा की है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय की भी है, और मणिपुर की भी वैकेंसी है यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में भी वैकेंसी है, और वेस्ट बंगाल। अब देखिए आपने वैकेंसियाँ देख ली हैं टोटल, अब इसके बाद इन्होंने एक टेबल में बताया है वेस्ट बंगाल, बिहार और बाकी सब, इन्होंने अब ग्रेजुएट अप्रेंटाइस की वैकेंसी बाकी जगहों की इन्होंने अलग से बताई है। सपोज वेस्ट बंगाल में 50 ग्रेजुएट अप्रेंटाइस चाहिए, बिहार में 20 चाहिए, उड़ीसा में 38 चाहिए। सभी लोग यहाँ से पूरे टेबल को देख लेंगे। याद रखिएगा आप लोग जैसे ग्रेजुएट अप्रेंटाइस की वैकेंसियों को यहाँ देख रहे हो राइट साइड में, इसमें आप एक चीज़ और देखना कि आपको यहाँ से ये भी दिखाया गया है कि डिसेबिलिटीज़ वालों की जो वैकेंसी है उसको बताया गया है कि VH डिसेबिलिटीज को 7 मिलेंगी, 6 HH को मिलेंगी, 6 OH को, 6 MD को। तो सभी लोग यहाँ से अपनी वैकेंसियों को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये आप देख लो, सभी की वैकेंसी इन्होंने डाल दी है। ट्रेड देखिए, 3 तरह से वैकेंसी हैं, एक आपकी ट्रेड की रहेगी, एक टेक्नीशियंस, अलग अलग चीज़ों के लिए टेक्नीशियन चाहिए इनको, अलग अलग चीज़ों के लिए ट्रेड स्पेसिफिक कैंडिडेट चाहिए, और अलग अलग चीज़ों के लिए इनको ग्रेजुएट्स भी चाहिए। तो आप तीनों तरह की वैकेंसियों को यहाँ से देख सकते हो। देखिए पूरा बेसिकली ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है, पूरा टेबल इसमें वैकेंसियों से ही भरा हुआ है, आप देख लो यहाँ पर, और कितने जगहों पे वैकेंसी, पूरे भारत देश में ऑलमोस्ट हर जगह है। कुछ जगह यहाँ पर जैसे कि केरला, तेलंगाना जगह नहीं दिखी मुझे इस नोटिफिकेशन में, और आंध्र प्रदेश भी नहीं दिखा है। तो ऐसे में आप लोग, ये बिल्कुल नहीं है कि आपके वहाँ जॉब नहीं है तो आप नहीं कर सकते अप्लाई, आप कर सकते हो ऑल इंडिया। अब ये मैं इसके लिए आपको दिखाऊंगा आगे, ये चीज़ें लिखी हुई। डिसेबिलिटीज वालों के लिए कुछ पॉइंट रहेंगे कि वो किन किन पोस्टों को ले सकते हैं, तो वो यहाँ से देख लेंगे। ये लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है, आपकी डिसेबिलिटीज लो विजन है, ब्लाइंड है, फिजिकल या फिर विजन या फिर हियरिंग आपको कम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपके, आपका एक ही पैर है, 1 leg 1 arm, तो ये सभी लोग सब कुछ देखते हुए चलेंगे। स्टाइपेंड की बता दूं, स्टाइपेंड का जो रेट रहेगा यहाँ पर, हाँ, तो आप स्टाइपेंड का जो 2019 में अमेंडमेंट करके, जो आपका 2019 वाला पढ़ना, 2019 में जो बताया गया कि IOCL के अंदर कोई अप्रेंटिस के लिए जा रहा है तो उसको कितने ट्रेड वाले को कितना सैलरी मिलेगा या स्टाइपेंड मिलेगा, टेक्नीशियन को और ग्रेजुएट को कितने मिलते हैं, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। बेसिकली याद रखना, 107 पोस्ट जो थी आपकी ट्रेड फिटर वाली पोस्ट, उसमें कैंडिडेट का 10वीं पास,
प्लस 2 साल का आईटीआई ट्रेड स्पेसिफिक सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर के अंदर। तो जो भी ट्रेड पे अप्लाई करेंगे वो 10th पास हो प्लस उनका आईटीआई सर्टिफिकेट हो, 2 साल वाला आईटीआई सर्टिफिकेट उस स्पेसिफिक ट्रेड में। सपोज इलेक्ट्रीशियन को अप्लाई करें तो इलेक्ट्रीशियन में, फिटर में करें तो फिटर में, मैकेनिकल मैकेनिक पेंटर कारपेंटर जो भी ये कह रहे हैं उसमें जो भी आप अप्लाई कर रहे हो उसका उसी पोस्ट का ट्रेड होना चाहिए। ट्रेड वालों के लिए सिंपल है, 10वीं पास प्लस 2 साल आईटीआई ट्रेड उस वाले ट्रेड के लिए। ये तो ट्रेड वाली पोस्टों के लिए रहेगा, सभी के लिए यही चीज़ रहेगा ये ट्रेड के लिए। टेक्नीशियन के लिए ये रहेगा, टेक्नीशियन के लिए आपको 3 साल का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा करा हुआ होना चाहिए। मैकेनिकल में अप्लाई कर रहे हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। 3 3 साल के होने चाहिए ये, और 50% के साथ ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो आपके 45% से ज़्यादा मार्क्स आपके आपकी डिप्लोमा डिग्री में होने चाहिए। तो ये सबको याद रखना है, आप सभी लोग यहाँ से देख लोगे। ये टेक्नीशियन के लिए रहेगा, तो टेक्नीशियन की क्वालिफिकेशन समझ आई होगी आपको और ट्रेड की समझ आ गई होगी। हाँ देखिए, इन्होंने एक एक पोस्ट का अलग से क्वालिफिकेशन बताया, आप चाहो तो यहाँ से देख लेना एक एक पोस्ट कोड। 101 से लेके इन्होंने 116 की जितनी पोस्ट है, देखिए टोटल 16 ही पोस्ट हैं। हाँ अलग अलग जगहों पे 16 ही तरह की पोस्ट हैं। आप सभी की क्वालिफिकेशन देखते हो तो आपको पता लगेगी जो ग्रेजुएट पोस्ट हैं उनमें आपका, सपोज आप BCA BCOM BBA BSc और अलग अलग आपने कोई भी ग्रेजुएशन बैचलर करी हुई है फुल रेगुलर वाले बेस पर और आप जो है 50% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं तो आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हो। रिजर्व वालों को 5% छूट मिलती है उनके मार्क्स में जो आप देख रहे हो, यानी कि ग्रेजुएट वाली पोस्ट है सिर्फ ग्रेजुएट्स लेंगे चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। ट्रेड वाली पोस्ट है वो लोग लेंगे जो 10th पास प्लस ITI 2 साल का सर्टिफिकेट ट्रेड वाले हो, जो उनके खुद के ट्रेड है जिसमें अप्लाई कर रहे हैं। और टेक्नीशियन के लिए 12th पास प्लस 3 साल का डिप्लोमा उस फील्ड के अंदर, सपोज इंजीनियरिंग मैकेनिकल की है तो मैकेनिकल का उनके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये सबको ध्यान रखना है, ये आपकी क्वालिफिकेशंस है। बाकी आप सभी लोग पोस्ट वाइज समझ लेना यहाँ से, ये यहाँ पर दिए गए हैं। हाँ जो लोगों ने पार्ट टाइम, मान लीजिए पार्ट टाइम क्वालिफिकेशन करी है या डिस्टेंस लर्निंग से करी है, ओपन लर्निंग से करी है, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है, सिर्फ रेगुलर वाले एलिजिबल माने जाएंगे। ये सबको ध्यान रखना है। और जिनके भी मार्क्स CGPA में आ रहे हैं, OGPA में आ रहे हैं, परसेंटेज में आ रहे हैं, ग्रेड सिस्टम में आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है आप यहाँ से देख लेना। ये पॉइंट नंबर 18 को सब लोग रीड कर लेना। अभी जो कैंडिडेट मान लीजिए हायर क्वालिफिकेशन रख रहा है, सपोज MBA कर लिया है, MCA कर लिया है, ये सब है, तो ये कंसीडर नहीं करे जाएंगे। मतलब कि आपके पास ग्रेजुएट के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हो तो आप फॉर्म मत भरना, बेसिकली ये उन्हीं को मिलेगी वैकेंसियां जिनके लिए है। ग्रेजुएट्स की जॉब है तो ग्रेजुएट्स को ही मिलेगी, ना कि पोस्ट ग्रेजुएट्स को। ये इन्होंने क्लियर कर दिया है, तो इस बात को सभी लोग ध्यान रख लें कि जो लोग ग्रेजुएट से अपर क्वालिफिकेशन रख रहे हैं वो फॉर्म ना भरें। 18 से लेकर 24 की एज वाले बीच में जो है इस एज रेंज के अंदर, तो वो लोग फॉर्म भर देंगे। अगर आप SC ST हो तो 29 ईयर तक फॉर्म भर पाओगे। सेम OBC NACL को 3 साल रिलैक्सेशन है, हर किसी का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिख जाएगा, आप देख सकते हो। डिसेबिलिटीज वालों को 10 साल रिलैक्सेशन अप्लाई करने के लिए मिल जाएगा। हाँ आपकी ट्रेनिंग 12 महीने रहेगी। जो रिटेल सेल्स एसोसिएट है उनकी सिर्फ 6 महीने ट्रेनिंग है, बाकी सभी लोगों की 1 साल का पूरा ट्रेनिंग रहेगा। सिलेक्शन कैसे करेंगे? सिलेक्शन आप अपनी जो भी क्वालिफिकेशन दे रहे हो ना, कह रहे हैं मीटिंग द, ठीक है, इन्होंने बोला ऑनलाइन, एक आपका ऑनलाइन टेस्ट करवाएंगे ये आपका, जो कि MCQ बेस्ड रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। हर क्वेश्चन में 4 4 ऑप्शन मिलेंगे और एक ऑप्शन उसमें से करेक्ट होगा, उस टेस्ट को पास करने वालों को ये जॉब मिलेगी, सभी लोगों को। द कैंडिडेट विल बी, और ये कह रहे हैं कि टेक्निकल एक्यूमेन इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, जेनेरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैं आपको बता दूं कि जो भी ट्रेड वाले लोग हैं ना, जो भी ट्रेड पर अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए जो सिलेबस होगा वो आपको बता दूं आपके लिए, आपके में टेक्निकल एक्यूमेन इन रिल, मतलब कि आपके जो स्पेसिफिक ट्रेड है उसका सिलेबस आएगा, और दूसरा आपका एप्टीट्यूड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी आएगी, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आएंगे, और जो ग्रेजुएट वाले होंगे उनके लिए सेम एप्टीट्यूड आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी आएंगी और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आएंगे। जो लोग ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं ट्रेड वाले पोस्टों पर, जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर और रिटेल सेल,
एसोसिएट, इनका सिलेबस आप देख सकते हो, इनके में बेसिक इंग्लिश आएगी, रीजनिंग एबिलिटी आएगी और जेनेरिक जेनेरिक एप्टीट्यूड आने वाला है। तो सभी लोग देख लेना कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। याद रखिएगा, आपको इस एग्ज़ाम के अंदर सक्सेसफुली पास करने के लिए 40% मार्क्स लाने जरूरी रहेंगे, और अगर आप SC ST या रिजर्व कैटेगरी हो तो आपको 35% मार्क्स कम से कम लाने हैं टोटल मार्क्स में से एग्ज़ाम के अंदर, तभी आप इसमें पास माने जाओगे। तो ये सबको समझ आ गया होगा। अब थोड़ा और अगर आगे चले, जनरल इंस्ट्रक्शन है आप सभी के लिए, इस चीज़ को आप देख सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शन जिसको भी रीड करने हो एक बार आप रीड कर लेना। यहाँ पर फॉर्म के डेट्स एक बार क्लियर कर दूँ लोगों को, फॉर्म के डेट्स क्या है। तो 5th ऑफ जनवरी तक, 16th ऑफ दिसंबर से 5th ऑफ जनवरी तक, यानी कि आपको 2 वीक का समय मिलेगा, 3 वीक का समय, यानी कि 21 डेज मिलेंगे। आप इतने के बीच में फॉर्म भर दो, ऑनलाइन में फॉर्म सभी लोग भरेंगे 21 दिनों के समय के अंदर। हाँ, याद रखिएगा, 5th ऑफ जनवरी में सिर्फ 5 बजे तक फॉर्म भरा जाएगा, उससे लेट नहीं होगा। आपको एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की मदद से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा IOCL के वेबसाइट पे, और उसके बाद अपना आप फॉर्म भर सकते हो जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो। एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, इन्होंने पहले ही बता दिया, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। हाँ, ऑनलाइन टेस्ट के बिहाफ पर ही आपका ये सिलेक्शन करेंगे, इसका सभी लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, आपको बता दूं, आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप याद रखें कि आप लोगों को सिर्फ एक ही पोस्ट पर अप्लाई करना है। जैसे आप देख सकते हो, आप अगर फिटर पे अप्लाई कर रहे हो तो फिटर पे ही अप्लाई करो। आप ऐसा नहीं कि आप फिटर पे भी अप्लाई कर रहे हो और आप ट्रेड वाले में भी, उधर ट्रेड के लिए अप्लाई कर दिया, ग्रेजुएट्स हो तो आप ग्रेजुएट की भी वैकेंसियों पर चले गए। ऐसा नहीं करना है, सिर्फ एक ही डिसिप्लिन कोड, मतलब जो भी आपके पोस्ट दिए गए। जैसे कोई कैंडिडेट फिटर पे अप्लाई कर रहा है तो फिटर पे ही अप्लाई करेगा, याद रखें। तो एक ही पे अप्लाई करें, एक से ज़्यादा पे अप्लाई करने वालों का फॉर्म कैंसिल होगा। हाँ, ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं हम एलिजिबल हैं, एक से ज़्यादा पे हम अप्लाई कर देते हैं, बाद में उनके फॉर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए पॉइंट आपको क्लियर करा गया है यहाँ पे। बाकी कुछ पॉइंट है यहाँ पर, आप देख लेना इन सबको। हाँ, तो आप सभी लोग ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को अपने पास रेडी रखें, उसकी मदद से ही आप फॉर्म भर पाएंगे। और अपने इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, सपोज 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, अलग अलग सेमेस्टर की मार्कशीट, इसके अलावा आपकी डिग्री और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो मांगा नहीं है, वैसे एक्सपीरियंस चाहिए भी नहीं, आपकी सिर्फ क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। ITI ट्रेड के सर्टिफिकेट्स को रेडी रखें, कास्ट सर्टिफिकेट, फोटो साइन को रेडी रखें। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ में आप एक डॉक्यूमेंट देंगे यहाँ पर, तो आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें रेडी रखनी है और इसको ही अपलोड करना है आपको यहाँ पर फॉर्म में। याद रखें, आपका जो सिग्नेचर रहे वो ब्लैक इंक में हो, मतलब कि वो काले रंग की इंक में हो, ना कि वो किसी और रंग में हो, मतलब आपने रेड कलर में साइन ना करा हो, ब्लू में, वाइट में, या फिर पिंक, या फिर कोई और कलर ना हो, वो बिल्कुल ब्लैक कलर में साइन होना चाहिए। सपोज ब्लैक पेन से साइन होना चाहिए जो यहाँ अपलोड हो रहा है। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल ओनली फॉर द स्टेट ऑफ, देखिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है सिर्फ महाराष्ट्र राज्य के लोगों के लिए कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। मतलब क्या हो जाता है इसका, इसका मतलब तो सिंपल ये कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों को यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट में फ़ायदे नहीं मिलेंगे, इसका मतलब तो ये मुझे लग रहा है। इसको थोड़ा आप यहाँ से रीड कर लेना कि यार सिर्फ महाराष्ट्र राज्य के लोगों को रिलैक्सेशन है या फिर ऑल इंडिया है, तो इसमें आप थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर करना, इसी में दिए गए हैं पॉइंट। और सारे डॉक्यूमेंट के साइज़ को सही से अपलोड करें बिल्कुल देखते हुए। अप्लाई करने की डेट्स मैंने आपको बताई हैं, 16 दिसंबर में सुबह 10 बजे से लेकर 5 जनवरी के 5 बजे तक रहेगा, ठीक है। और DV में आपकी ये सारी चीज़ें चेक होंगी, जो भी आप फॉर्म में लगा रहे हो वो सारी चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होती हैं जब, तब ये सारी चीज़ें चेक होती है। DV आपका बेसिकली ऑनलाइन टेस्ट के बाद लिया जाएगा, और इंपॉर्टेंट डेट्स की बात मैंने आपको पहले ही बता दी है, ये सारी डेट्स को आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन था, अभी आप इसमें देखोगे तो आपने एग्ज़ाम पैटर्न देखा, डिटेल्ड सिलेबस नहीं देखा, ठीक है। और आपने इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आप देखोगे तो एक एक ट्रेड की वैकेंसियों को आपने ऐसे देखा, जैसे आप देख रहे हो एक राज्य में आपको हर ट्रेड की वैकेंसियों को एक बार में बता दिया, इतने हम
इस राज्य में इतने ट्रेड चाहिए अलग अलग पोस्टों पर, इतनी वैकेंसी पर। हर एक ट्रेड की नहीं बताई इन्होंने कि कितनी वैकेंसियाँ हैं और उसमें भी कास्ट वाइज कितनी है। तो ये एक हो सकता है डिटेल नोटिफिकेशन में आए, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगी। सपोज कास्ट के फॉर्म भी हो सकता है वहाँ देखने को मिले, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना है। बाकी सारी चीज़ें जो अभी तक आई हैं वो मैंने सारी आपको बता दी है। तो बेसिकली आप इसमें ऑनलाइन ही अप्लाई करोगे और सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। यहाँ पर 10वीं 12वीं ग्रेजुएट्स के लिए जॉब है और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए जॉब नहीं है, ठीक है। और 10वीं से बिलो जो 10th से नीचे क्वालिफिकेशन रख रहे हैं उनके लिए भी वैकेंसियाँ नहीं है, यानी 10th से लेके ग्रेजुएट प्लस तक की ये वैकेंसियाँ हैं। आप सभी लोग देख सकते हो, ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट रहेगा, आप अपने ही राज्य नहीं दूसरे देश दूसरे राज्यों की भी वैकेंसियों को ले सकते हो, ठीक है। ये आपकी क्वालिफिकेशन कह रही है, और भारत की नेशनैलिटी के साथ ही आप सभी लोग फॉर्म भरोगे। ये जॉब गवर्नमेंट रहेंगी, अप्रेंटाइसिस की रहेंगी, स्टाइपेंड आप मेरे तरफ से मान सकते हो। IOCL का अप्रेंटाइसिस का मैं एक बार आपको स्टाइपेंड बताता चलता हूँ क्या रहेगा, जिससे कि आप लोगों को क्लियर रहे। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो है 15,000 रुपये के लगभग जो है ये आपको अप्रेंटिस के तौर पर स्टाइपेंड देते हैं। और तो इन्होंने ये बताया है कि ये आपका रहेगा। हाँ तो हाँ, लेकिन देखिए किसी का 15, देखिए 15,000 तो बहुत टॉप मोस्ट में जाता है, मतलब 15,000 स्टाइपेंड अगर आप ले रहे हो तो वो आप ग्रेजुएट्स का मान सकते हो, या फिर उसमें भी आप हायर पोजीशन वालों का मान सकते हो। बेसिकली मैं आपको बताऊँ, अगर आपका ITI वालों का है, जो आपका ट्रेड वाले ले रहे हैं, तो ट्रेड वालों को मैं यही कहूँगा कि आपका जो है ना यहाँ पर ज़्यादा स्टाइपेंड नहीं है। बेसिकली आपका यहाँ पर 5,000 प्लस के करीब स्टाइपेंड रहेगा, आप इतना मान सकते हो, 5,000 7,000 इतना मान सकते हो पर मंथ स्टाइपेंड मान सकते हो। जो लोग ट्रेड में यानी 10th पास ITI वाले इतना मान सकते हैं, 5,000 7,000 के लगभग। जो इसके ऊपर है टेक्नीशियन वाले वो अपना 9,000 10,000 माने, और जो ग्रेजुएट्स है वो 10 से लेकर 12,000 तक माने। ये एक रहेगा आपका, ये मीडियम बताया है, हो सकता है इसके आगे पीछे भी हो जाए, ठीक है। इसमें इन्होंने वैसे दिया नहीं है यहाँ पे, ये मैंने आपको ऐसे ही चेक करके बताया है, ये आपका रहेगा। तो ये सबको बता दिया है, क्लियर हो चुका है, पूरे भारत के लोग फॉर्म भर सकते हैं इस पर। सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी आपसे, डिटेल नोटिफिकेशन अब बाद में डिस्कस होगा। 1,603 वैकेंसी हैं, बड़ी रिक्रूटमेंट है। और आपको ऐसा कोई पॉइंट लग रहा हो जो नहीं समझ आता है, कमेंट में बताएं, और इस जानकारी को भारत देश और दुनिया भर में फैलाएं, स्पेशली भारत देश की एक एक गली मोहल्ले तक लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। 1,603 लोगों को यहाँ से रोजगार या जॉब या काम मिलेगा, वो ट्रेनिंग भी करेंगे और साथ में उनको कर यानी उनको जो है रुपए भी मिलेंगे यहाँ पर काम करने के। तो मैं आपसे मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।